वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि जोसा काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। और इनकम सर्टिफिकेट आपको कब रिक्वायर्ड होता है, जब आप जो है वो किसी IIT में अगर अपीयर एडमिशन लेते हो, या NIT में लेते हो, या फिर कोई GFTIs में। तो यहाँ पे ब्रॉडली मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे जो है वो आपको इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो है वो फीस जो है वो कम हो जाती है। तो अगर IIT की बात करें तो देखो, IIT का जो है वो यूजुअली ट्यूशन फ़ी 1,00,000 रुपये रहता है, या फिर एक कुछ किसी का थोड़ा ज़्यादा भी रहता है। और अगर NITs की बात करें तो जो ट्यूशन फ़ीस है वो 62,000 to 70,000 के बीच में वैरी करती है। और GFTI की और IIIT की बात करें तो IIIT में जो है वो आपको फ़ीस एनुअल फ़ीस की ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो 1,00,000 से 2,00,000 रुपये तक रहता है। और GFTIs में जो है वो बहुत बड़ा वेरिएशन है, तो उसका हर कॉलेज का मैं डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन अब बात करते हैं कि आपको कैसे जो है वो इनकम के बेसिस पे जो है इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको जो है वो फ़ी वेवर मिलेगा। तो थ्री कैटेगरीज में जो है वो स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी है कि आपकी फैमिली इनकम 5,00,000 से ज़्यादा है। सेकंड कैटेगरी है कि आपकी फैमिली इनकम 1,00,000 से 5,00,000 के बीच में है। और थर्ड कैटेगरी है कि आपकी फैमिली इनकम 1,00,000 से नीचे है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें फैमिली इनकम 5,00,000 से ज़्यादा होती है, तो उसमें आपको कोई भी ट्यूशन फ़ी वेवर नहीं मिलता है। आपको जो एक्चुअल ट्यूशन फ़ी है वही पेमेंट करना पड़ेगा। और जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, यूजुअली जो 1,00,000 से 5,00,000 के बीच वाले एनुअल जिनकी फैमिली इनकम है, उस केस में उन्हें 2/3 वेवर मिलता है। 2/3 वेवर का मतलब कि 1,00,000 रुपये अगर ट्यूशन फ़ीस है तो आपको 66,000 रुपये माफ़ हो जाएंगे और आपको 33,000 रुपये देने पड़ेंगे। आपको समझ में आया होगा कि 100 रुपये अगर ट्यूशन फ़ीस होगी तो 66 रुपीज़ माफ़ हो जाएगी और 33 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसा सीन रहेगा। और अगर जो है वो आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1,00,000 है, तो उस केस में आपको आपकी जो है वो ट्यूशन फ़ी फुल वेवर हो जाती है। तो आपको जो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन चार्जेस हो गए, या फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, तो उन सभी के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो फैमिली इनकम है वो आप कहाँ से बनवाओगे जो कि वैलिड रहेगा। तो देखो, डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट ऑफिसर्स के नेम होते हैं। जैसे अगर मेनली जो जहाँ से आप बनवा सकते हो, जैसे आप ब्लॉक से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप तहसील में जा सकते हो, या फिर आप मालतादार, नैब तहसीलदार, या फिर CO, RO, इन सभी के जो रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, इनसे अगर आप सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो इस साल बना हुआ है, मींस 1 अप्रैल 2024 के बाद बना हुआ है, तभी वो वैलिड होगा। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 से पहले बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। आपको कोई भी इनकम के बेसिस पे जो है वो आपको कोई भी फ़ी वेवर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी फैमिली की इनकम जो है वो इनकम सर्टिफिकेट बनी होनी चाहिए जो भी रेस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे। अब बात करते हैं कि ये कैसे, आपको 4 साल का कोर्स है ना, चूँकि तो 4 साल से 5 साल का कोर्स रहता है अगर बीटेक एमटेक डुअल डिग्री को भी कंसीडर कर ले तो आपको कैसे वेवर मिलेगा। तो हर साल आपको जो है वो अपना सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और यूजुअली जो है वो अभी आप जैसे एक बार दोगे तो ये इस सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको जो है वो एक बार ही देना पड़ेगा। फिर जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो थर्ड सेमेस्टर में आपको एक नया सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि नया अगले साल बनवाना होगा। मींस अगर आप जो है वो अभी अगस्त में ज्वाइन कर रहे हो कॉलेज, तो अगस्त में तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि 1 अप्रैल 2024 के बाद बना हुआ है। और अगर आप नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो आपको जो है वो नेक्स्ट ईयर अगेन अगस्त में जो है वो एक इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ हो। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट ईयर में आपको एक बार सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि 1 अप्रैल 2024 के बाद बना हुआ हो, और सेकंड ईयर में जब आप जाओगे तो आपको फिर से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ हो। और ये सिलसिला आपको 4 साल तक रिपीट होगा। अगर आपकी आपको वेवर लेनी है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, और फिर वो वेरीफाई करते हैं कि क्या आप सही में जो है वो आप जो है वो वेवर के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी आपको उनकी डिटेल्स सही लगती हैं तो आपको वेवर मिलता है, और अगर कुछ भी गलती पाया जाता है तो फिर आपको वेवर नहीं मिलता है। तो इस बात का आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि आप सर्टिफिकेट सही जगह से बनवाओ,
और जो डेट मैंने बताया है उस डेट के बाद ही बनवाओ, क्योंकि अगर पुराना सर्टिफिकेट होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको वेवर नहीं मिल पाएगी, तो फिर आप कुछ भी कर लो आपको पैसे पूरे देने ही पड़ेंगे। मीन्स अगर 70,000 फीस है तो 70,000 देना होगा, 1,00,000 है तो 1,00,000 देना पड़ेगा, और अगर 2,00,000 है तो 2,00,000 देना पड़ेगा। ट्रिपल आईटीज़ में यूजुअली फ़ी वेवर नहीं होती है, IITs NITs में होती है फ़ी वेवर, तो वहाँ का सीन जो है वो मैं जानता हूँ, मैंने IIT सिपुर से पढ़ा है, तो वहाँ का जो है वो क्या सीन था वो भी कुछ ऐसा ही सीन था। वहाँ की जो है वो 62,500 फीस होती थी, तो उसमें भी जो है वो अगर आप इनकम सर्टिफिकेट दोगे तो उस बेसिस पे आपको फ़ी वेवर मिलेगा। सो आई होप कि आपको जो है ये मैंने बता दिया। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हो, या फिर मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल बना दिया है, टेलीग्राम पे जो है टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो और अपनी जो भी क्वेरीज हो सकती है वहाँ पे पूछ सकते हो। अराउंड 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे करेंटली अभी एक्टिव हैं, और अपनी जो है वो क्वेरीज आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ताकि आपको जो कोई भी अगर क्वेरी हो तो जो काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे बिना बेझिझक के आप पूछ सकते हो, उन बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको हेल्प कर देंगे। सो ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप एंड लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप जो है वो आचार प्रसाद की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटीक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप इनके वीडियोज़ देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप इनके ऐप पर भी जा सकते हो, आचार प्रसाद ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पर आप देखोगे तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, और इनकी जो वीडियोज़ होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि काफी जो है वो आपको इंसाइटफुल एजुकेशन यहां पे मिलता है। तो आप जो है वो इनकी वीडियोस और ऐप को एक बार जरूर देखना, नाम याद जरूर कर लो, आचार्य प्रशांत।